फाइनली बहुत टाइम बाद वन पीस मांगा चैप्टर 1092 आ चुका है और सच में ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार निकला क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हमको काफी ज्यादा बवाल चीजें देखने को मिली है। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा अपने चैप्टर की तरफ। तो इस वाले चैप्टर के शुरुआत में हमको कुमा को दिखाया जाएगा जो कि रेड लाइन को चढ़ के सीधा मरीवा के ऊपर पहुंच चुका है और जैसे ही कुमा रेड लाइन को चढ़ रहा होता है वहां पर उसके ऊपर मल्टीपल्स अटैक हो रहे होते हैं। तभी जाके वहां पर कुमा एकदम से रैंपेज मोड पे चला जाता है और वहां पर दुनिया भर के डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने कुमा को देखा था तब वहाँ पर कुमा एकदम से स्लेव बन के घूम रहा था और वहाँ पर साबो ने उसको रेस्क्यू करा था, लेकिन साबो के इतने पापड़ बेलने के बाद में वहाँ पर उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि कुमा को उसने बचा तो लिया था अपनी जान पे खेल के, लेकिन कुमा तो वापस से मरिजुआ के ऊपर जा रहा है। पता नहीं वहाँ पर उसका क्या ही मोटिव है। कुमा ने मरिजुआ के ऊपर पहुंच के इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी कि वहाँ पर उसको रोकने के लिए सीधा अकाइनो को आना पड़ा क्योंकि मरिजुआ के अंदर तो सीधा सिनिस्टर ड्रैगन ही रहते हैं। अगर वहाँ पर किसी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया तो वो लोग किसी को भी बुला सकते हैं। और कुमा भी कोई हल्का फुल्का बंदा नहीं है क्योंकि वो एक टाइम पे सेवन वॉरलॉर्ड में से भी एक था, इसलिए वहां पर उसको रोकने के लिए सीधा अकाइनो को आना पड़ा। और यहाँ पर अकाइनो आ चुका है तो अपनी मैग्मा की पावर तो दिखा के ही रहेगा। उसने सीधा कुमा का आधा फेस जला दिया था और उसका एक पैर भी तोड़ दिया था। भाई साहब जो अटैक अकाइनो ने व्हाइट बेल्ट के खिलाफ करा था वही अटैक उसने सेम कुमा के साथ करा, इसलिए कुमा को वहां पर पहली फुर्सत में निकलना पड़ा क्योंकि कुमा यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर चढ़ने से पहले काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो अकाइनो के सामने इतना ज्यादा टिक नहीं पाया। वहां पर उसको पहली फुर्सत में भागना पड़ा। अगर यहाँ पर कुमा भागता नहीं तो वहां पर भाई अकाइनो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को मेल्ट कर देता। अच्छा वो कि वो भाग गया वरना उसको अपनी लाइफ से हाथ ही धोना पड़ता। इसके बाद में हमको अकाइनो और बोनी का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जहाँ पर 2 साल पहले अकाइनो ने बोनी को कैप्चर कर लिया था। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद में हम सीधा आएंगे एगेड के ऊपर जहाँ पर लूफी और किजारो की फाइट कंटिन्यू होने वाली है। लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था कि लूफी ने किजारू के अटैक को ब्लॉक कर दिया है जहाँ पर वो किसी भी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन भले यहाँ पर लूफी कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हो लेकिन वो अपनी बेसिक फॉर्म के अंदर किजारू को हरा नहीं पाएगा, इसलिए लूफी यहाँ पर किजारू के स्पीड को काउंटर करने के लिए अपने स्नेकमैन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि लूफी का स्नेकमैन ही ऐसा एक गियर है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, शायद से वो थोड़ा बहुत काम आ जाए क्योंकि भाई लूफी का कौन सा भी गियर कितना ज्यादा भी फास्ट क्यों ना हो लेकिन वो लाइटनिंग के सामने इतना ज्यादा फास्ट हो नहीं सकता क्योंकि किजारू तो पूरा लाइटनिंग से ही बनाए। लूफी अपने स्नेकमैन से किजारू को हराने का ट्राई करता है लेकिन वहां पर किजारू उसको काफी ज्यादा मात दे देता है, वहां पर उसको दूर दूर जाके पटक देता है, इसलिए वहां पर फाइनली लूफी को अपने गियर 5 के अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर किजारू अपने हाथों को लाइटनिंग में कन्वर्ट करके लूफी के हर एक अटैक को ब्लॉक कर जा रहा था जहाँ पर लूफी की हालत तो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होते हुए दिख रही थी। जहाँ पर फाइट के अंदर किजारू लूफी को थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहा होता है, वहां पर वो लूफी को बोल रहा होता है कि तुम फाइनली थोड़ा बहुत टफ हो चुकी हो। वहां पर वो बोल रहा होता है कि काइडो को हराने के बाद में तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत पावर्स आ चुकी है, शायद से यहाँ पर तुमको हराना इस बार थोड़ा सा टफ हो सकता है। उसके बाद में किजारू एकदम से उड़ के गेट के बाहर चला जाता है, वहां पर जाके वो बोलता है कि स्पीड इज अ पावर। एकदम से वो अपने न्यू अटैक की तैयारी करके लूफी के स्नेकमैन फॉर्म को काफी ज्यादा जोर से टक्कर मारता है। किजारू की ये वाली किक कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने लूफी के स्नेकमैन फॉर्म को सीधा वेगाफोर्स 01 के अंदर से ट्रांसफर कर दिया। वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो वेगाफोर्स 01 है वो सीधा डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि लूफी उसके सीधा आर पार चला जाता है। अब इस वाले अटैक के बाद में हमको ये नहीं पता कि वेगाफोर्स 01 को कितना डैमेज पड़ा है। अगर यहाँ पर वेगाफोर्स 01 काम नहीं करेगा तो इनका एगेड के ऊपर से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वेगाफोर्स 01 ही इनको एगेड के बाहर लेके जाने वाला था। यहाँ पर वेगाफोर्स 01 को तो काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है लेकिन जो 1000 सनी थी जिसको वेगाफोर्स 01 लेके जाने वाला था, यहाँ पर सनी को इतना ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है क्योंकि वो सीधा क्लाउड के ऊपर जाके लैंड करी थी। लेकिन यहाँ पर भाई वेगाफोर्स 01 की तो हालत खराब है। अभी यहाँ पर स्टोएड का एगेड से बाहर निकलने का प्लान कैंसल होते हुए दिख रहा है क्योंकि भाई जो रोबोट इनको बाहर लेके जाने वाला था वही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। लूफी इस अटैक के बाद में काफी ज्यादा घायल हो चुका था इसलिए वहां पर किजारू सीधा वेगापंक को ढूंढने के लिए निकल जाता है लेकिन वहां पर बोनी उसको आके रोकने का ट्राई करती है। वहां पर किजारू बोनी को देख के बोलता है कि तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, प्लीज मुझे तुमको हर्ट करने के लिए मजबूर मत करो क्योंकि इस वाले मिशन के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जानता था, उनको मैं हर्ट कर चुका हूँ। लेकिन वहां पर बोनी किजारू की बात को नहीं मानती और किजारू के ऊपर अटैक कर देती है। फिर क्या होना था, वहां पर किजारू तो कोई अच्छा बंदा है नहीं, वहां पर वो बोनी को सीधा लात मार देता और बोनी सीधा बैरियर के आर पार चली जाती है। बोनी को अपने रास्ते से हटाने के बाद में वहां पर किजारू सीधा कंट्रोल रूम में जाके वेगापंक को ढूंढने के लिए लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल रूम में जाके ऊपर के साइड में देखता है वहां पर लूफी अपने जायंट फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होकर किजारू को अपने हाथ में ग्रैब कर लेता है। यहाँ पर लूफी अपने गियर 5 के अंदर जाके जायंट के अंदर कन्वर्ट होकर सीधा किजारू को ग्रैब कर लेता है और उसको सीलिंग से ऊपर खींच लेता है। यहाँ पर लगता है कि अभी मेन फाइट
फाइट शुरू होने वाली है जहाँ पर लूफी अपने गेयर फाइव को यूज करके किजारो को हराने वाला है। लेकिन अभी तक हमको इस वाले चैप्टर के अंदर जोरो से रॉब लूसी के फाइट का एक भी पैनल देखने को नहीं मिला है। इसके बाद में सीधा एक एंड पैनल आता है। इस वाले चैप्टर के लास्ट पैनल के ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हमने एक गेट के ऊपर एक एशियड रोबोट देखा था वो अपने आप जाग चुका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो लूफी का ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है वो एक टाइप से उसके पावर सोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो एंशियंट रोबोट है इसका कोई पावर सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। हमको इस वाले रोबोट के बारे में बस इतना पता है कि इसको 200 साल पहले किसी ने ऑर्डर दिया था कि वो जाके मरीजवा को डिस्ट्रॉय कर दे, या इस वाले रोबोट के अंदर ऐसा किसी ने प्रोग्राम करके रखा होगा, क्योंकि हमने इस वाले चैप्टर के अंदर भी देख लिया कि कुमा भी सीधा मरीजवा के अंदर जाके डिस्ट्रक्शन कर रहा था। लेकिन ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी सी ऑड लग रही है, क्योंकि एगेड के ऊपर लूफी पहले भी एक बार गेयर फाइव के अंदर ट्रांसफर हो चुका था, जहाँ पर वो पहली बार एगेड के ऊपर लॉब लूसी से लड़ा था। तब तो यहाँ पर ये वाला रोबोट एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बार जब लूफी अपने गेयर फाइव के अंदर गया उसके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनने के बाद में वो अपने आप से ऑन हो गया। पता नहीं यहाँ पर क्या ही सीन चल रहा है। तो इस वाले चीज का आंसर तो हमको सीधा जाके नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा, जहाँ पर नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है। तो चलो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।